कोरोना की वजह से पहले से ही त्राहिमाम कर रही जनता पर महंगाई का जो कहर जारी है, आखिर उसकी वजह क्या है और क्या कोई समाधान है, इसी पर आप देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट, देखो महंगाई की मार सरकार। देश का तेल उबल रहा है और इसमें जनता फ्राई हो रही है, डीप फ्राई, क्योंकि महंगाई ने डीप पॉकेट तक को तल कर भून दिया है। सबसे पहले बात खाने पीने के तेल की। देश में खाद्य तेल महंगे, सरसों का तेल 22%, वनस्पति 37%, सोया तेल 37%, सूर्यमुखी तेल 58%, पाम तेल 28%। ये आंकड़े बताते हैं कि कोरोना काल में महंगाई की मार ने देश की जनता का क्या हाल बना दिया है, और ये तस्वीरें दर्शाती हैं कि उन्हें ये किस उबाल तक ले गए हैं। काफी चीजें घटा दी हैं, जैसे तेल कम कर दिए, मैगी कम कर दी, और बच्चों के खाने पीने की चीजें लेते थे वो बंद कर दिए लेनी। छोटे बच्चों को तो आदत है हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए ही, उसी हिसाब से उनके लिए लेते थे, अब वो बंद कर दिए हमने। कपड़े तो खरीद ही नहीं रहे बिल्कुल नहीं खरीद रहे कपड़े तो अभी। बहुत ही बजट इतना बढ़ गया है पूछो मत, जो 115 का रिफाइंड आता था वो 160, 165, 170 का हमने लेके गए हैं। दालों का रेट बढ़ गया, बजट हमारा सारा बिगड़ गया। इस टाइम हालत इतनी ख़राब हो चुकी है रसोई की बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड भी जॉबलेस हो गए हैं जब से कोरोना हुआ है, तो मैं खुद ही, मैं ब्यूटिशियन हूँ एंड मेकअप आर्टिस्ट, तो मैं खुद ही अपना घर और सब कुछ चलाती हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। रेंट देना पड़ता है, शॉप का रेंट देना पड़ता है, और उसके बाद दिक्कत इस चीज़ की है कि कोई अभी काम भी नहीं है। देश में खाद्य तेल के महंगे होने की बहुत बड़ी वजह ये है कि हम अपनी जरूरत के 70% खाद्य तेल का आयात करते हैं। खाद्य तेलों पर 32% तक ड्यूटी लगती है। विश्व बाजार में जब से तेल महंगा हुआ है, देश में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। ऐसे में जब एक आम आदमी सुबह उठता है, नहा धोकर खा पी कर अपने काम पर निकलता है, तो पता चलता है कि किस तरह उस आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पहले से ज्यादा खर्चीली हो गई है। इसे समझने के लिए तस्वीरों के साथ साथ इन आंकड़ों पर भी गौर कीजिए। दिनचर्या में महंगाई, साबुन 20% तक, नूडल्स 20% तक, शैम्पू 16% तक, दालें 15% तक, वॉशिंग पाउडर 10% तक, चाय पत्ती 8% तक, टूथपेस्ट 4% तक। घर के अंदर जो ये खर्च बढ़ा है उसमें और इजाफा हो गया है इसी महीने की पहली तारीख से। 1 जुलाई वाली महंगाई, अमूल दूध भी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा। अमूल की प्रतिदिन सप्लाई 50 लाख लीटर दूध। इसके अलावा देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने पैसे निकालने से लेकर चेक फैसिलिटी तक पर मुफ्त की सीमा घटा दी है और दूसरे सर्विस चार्जेस बढ़ा दिए हैं। आशंका है कि दूसरे बैंक भी ऐसा कर सकते हैं। इंसान इन सब खर्चों से निपटने के बाद जब घर से बाहर निकलता है तो ईंधन की बढ़ी कीमतें उससे सवाल करने लगती हैं, क्योंकि देश की महंगाई को एक अकेला कोई सबसे ज्यादा जो बढ़ा रहा है वो है पेट्रोलियम। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के अलावा साबुन शैम्पू के दाम बढ़ने में भी यही जिम्मेदार है, क्योंकि एक तो विश्व बाजार में पेट्रोलियम महंगा और उसके बाद देश में उसके ऊपर लगने वाला टैक्स बहुत बहुत ज्यादा। अपसाइड्स जो है इन्फ्लेशन में दो एरियाज से आ सकते हैं। फर्स्ट, फ्यूल प्राइसेस, क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ही एक हाई है एक्सपेक्टेड इन ऑन अ ब्रॉड बेसिस। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट एक्साइज या वैट थोड़ा कम करे तो रिस्पाइट फील हो जाएगा। एक साल में पेट्रोलियम महंगा, पेट्रोल 18 रुपए तक, डीजल 18 रुपए तक, घरेलू गैस 36% तक महंगी। लेकिन कोरोना काल में लोगों की एक तरफ बचत खत्म हुई तो दूसरी ओर उनका कर्ज बढ़ गया। कोरोना में कर्ज का जाल,
आधी कामकाजी आबादी कर्ज में। जनवरी 2021 तक कुल कामकाजी आबादी 40.07 करोड़। 20 करोड़ लोगों ने किसी न किसी तरह का लोन लिया। कोरोना की लहर के दौरान लोगों ने इलाज खर्च के लिए इंस्टेंट ऐप से कर्ज लेना बेहतर समझा। इसमें बेहद बढ़त देखी गई। महामारी के दौरान क्रेडिट कार्ड के उपयोग में कमी आई और नए कार्ड लेने वालों की तादाद आधी के करीब हो गई। इसके अलावा कुल 10 में से 7 लोगों का पर्सनल फाइनेंस बिगड़ गया है। इन सारी बहस के बीच उम्मीद अभी बाकी है, क्योंकि 37% मानते हैं 1 से 6 महीने में स्थिति सुधरेगी। 51% मानते हैं इसमें 6 महीने से अधिक समय लग सकता है। ओवरऑल क्रिसिल का एक्सपेक्टेशन है कि फिस्कल 2022 में इन्फ्लेशन ऑन एवरेज कम रहेगा कंपेयर टू फिस्कल 2021। देश में फिलहाल जो महंगाई बढ़ रहा है उसके पीछे खाद से लेके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तक भारत इन कॉमोडिटीज को आयात करता है। ग्लोबल मार्केट में अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल में बहुत सारी कॉमोडिटीज जैसे कि पाम ऑयल, क्रूड ऑयल, कॉस्टिक सोडा, सोडा एस जैसे रॉ मटेरियल्स का दाम काफ़ी बढ़ा है, जिसका सीधा असर हमारे देश की महंगाई पे पड़ता दिख रहा है। ऐसे में चाहिए कि सरकार को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे टैक्स जल्द से जल्द हटाया जाए और हमारी जनता को राहत दी जाए। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मैं पीयूष पांडे, बिजनेस अफेयर्स एडिटर, एबीपी न्यूज़। ABP News, आपको रखे आगे।